क्या हो जब किसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे ब्लंडर करते हैं, और वो भी जब बात हो इंडिया और पाकिस्तान की। 1974 में इंडिया ने किया अपना फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट, और अब बारी थी पाकिस्तान की। पर इंडिया के पास कोई एविडेंस नहीं था पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में, और इसकी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ ने पाकिस्तान में डिप्लॉय किया अपने एजेंट्स। उन एजेंट्स ने पाकिस्तानी साइंटिस्ट को फॉलो करना शुरू किया, और फाइनली लोकेट हुई एक बार्बर शॉप जहाँ पे वो साइंटिस्ट फ्रीक्वेंटली विजिट करते थे। वहां से उन एजेंट्स ने कलेक्ट किए उन साइंटिस्ट के कुछ बालों के सैंपल्स, और जब उन सैंपल्स को टेस्ट किया गया तो उनमें ट्रेसेस मिले रेडिएशन और बॉम्ब ग्रेड यूरेनियम के। इस इंटेल ने कंफर्म कर दिया था पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को, लेकिन ब्लंडर तो अभी बाकी था। इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई ने पाकिस्तानी जनरल जियाउल हक के साथ एक फोन कन्वर्सेशन के दौरान ये रिवील कर दिया कि इंडिया को पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में पता है। अब आगे की कहानी का अंदाजा तो आप लगा ही सकते हैं। इंडिया के सारे एजेंट्स और कॉन्टैक्ट्स को एलिमिनेट कर दिया गया, और इंडिया के पास फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में।